गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम सत्यनारायण यादव है और मेरी ईमेल आईडी है satya5star@gmail.com। तो गाइस, आपने अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोर वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम जीके का पार्ट कवर करेंगे, एटमॉस्फेयर। एक्चुअली एटमॉस्फेयर में हम बात करेंगे कि कितने लेयर हैं और क्या क्या कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर में। तो हम जैसे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की हम बात करें तो हम मेनली पाते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन का जो सबसे सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जो होता है 78.08% एंड 29.05% हमारा होता है ऑक्सीजन। ऑर्गन 0.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वाटर वेपर, वाटर वेपर, वाटर वेपर जिसको हम कहते हैं H2O, ओजोन जिसे हम O3 से प्रेजेंट करते हैं, एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल। क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास इज कंसंट्रेटेड इनटू द लोअर लेयर्स। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर, अर्थ इन्वायरमेंटल एनवेलप इज डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स। हम अगर टेम्परेचर और प्रेशर के बेसिस पे बात करेंगे तो लेयर जो हमारी है वो 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ट्रिक बनाया है, तुम सब मैकेनिकल से IAS बनने आई हो। मान लीजिए ये कोई लड़की है जो मैकेनिकल ब्रांच ली है, मैकेनिकल ब्रांच ली है, तो मैंने एक ट्रिक बनाया कि तुम सब मैकेनिकल से IAS बनने आई हो, जहाँ पे हमारा टी टी स्टैंड फॉर ट्रोपोस्फेयर, टी हमारा ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा, ट्रोपो स्फेयर, एंड एस जो सेकंड है सब, तो सब का एस जो है वो एस स्टैंड करता है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटो स्फेयर, एम एम हमारा एम मैग्जो स्फेयर, आई आई आयोनो स्फेयर, एंड ई स्टैंड्स फॉर इग्जो, इग्जो स्फेयर। अगर हम शुरुआत करें ट्रोपोस्फेयर से, तो ये हमारा सबसे लोअर मोस्ट लेयर है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर का। इसमें वेदर फिनोमिना अक्कर होता है इन दिस लेयर। इट एक्सटेंड फ्रॉम अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस है हमारा, 8 किलोमीटर टू 18 किलोमीटर, 8 किलोमीटर टू 18 किलोमीटर। 8 किलोमीटर के इस साइड के पोल को क्या बोलते हैं हम, ओवर पोल, ओवर पोल, एंड 18 किलोमीटर वाले को बोलते हैं ओवर इक्वेटर, ओवर इक्वेटर। इसको क्या बोलते हैं, ओवर पोल एंड ओवर इक्वेटर। और जो 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 शुरुआत की द फर्स्ट 1.5 और 2 किलोमीटर हाइट होती है ट्रोपोस्फेयर की, उसको हम 1.5 टू 2 किलोमीटर की जो शुरुआत का जो ये लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन लेयर भी बोलते हैं, फ्रिक्शन लेयर।
फ्रिक्शन लेयर। एट द एंड ऑफ ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोपॉज इज लोकेटेड। एंड ऑफ ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर का जो एंड होता है वहां उस पॉइंट को अपन ट्रोपोपॉज, वहां पे लोकेट होता है ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज, TRO, ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज। और टेम्परेचर एट ट्रोपोपॉज इज -45 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्रोपोपॉज, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ट्रोपोपॉज का, यहाँ पे -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ओवर द पोल, एंड -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ओवर इक्वेटर। मतलब -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ओवर पोल एंड -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ओवर इक्वेटर। और इस लेयर में क्या होता है कि टेम्परेचर, देखिए हमारा इंक्री टेम्परेचर हमारा जो है डिक्रीज हो रहा, -45 to -80। टेम्परेचर हमारा इस लेयर में डिक्रीज होता है, एल्टीट्यूड हमारा, एल्टीट्यूड इंक्रीज होने के साथ साथ एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है एंड टेम्परेचर डिक्रीज होता है। कौन से स्फेयर में? ट्रोपोस्फेयर में, है ना। अब हम दूसरे लेयर की बात करते हैं, एस। एस क्या स्टैंड करता है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है कि इट एक्सटेंड फ्रॉम ट्रोपोपॉज अप टू 50 किलोमीटर हाइट। ये जो ट्रोपोपॉज से जो 50 किलोमीटर तक की हाइट है, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमली ड्राई। ये रीजन जो होता है ना 18 से 50 की रेंज वाली, वो ड्राई रीजन होता है। ड्राई रीजन होता है तो ऑलमोस्ट नो क्लाउड आर प्रेजेंट। यहाँ पे मतलब क्लाउड होता ही नहीं है, निग्लेजिबल, मतलब इन एक्सेप्ट, मतलब इसमें किर्रस एंड मदर ऑफ पीरल क्लाउड्स ही पाया जाता है। टेम्परेचर जो हमारा है यहाँ पास, हमारा जब बिगनिंग करते हैं हम स्ट्रेटोस्फेयर के लिए, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर हमारा मतलब स्टेबल होता है एट द बिगनिंग ऑफ द लेयर, बट सडनली स्टार्ट चेंजिंग आफ्टर द हाइट ऑफ 20 किलोमीटर। लेकिन ये यहाँ पे क्या होता है, 18 किलोमीटर पे हैं हम, 18 किलोमीटर पे हैं, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे 20 किलोमीटर के बाद जाएंगे, तो इसमें 20 किलोमीटर पे जाएंगे तो सडन चेंज होता है टेम्परेचर पे। और किसके कारण होता है? तो ये ओजोन के कारण, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। तो 30 to 50 किलोमीटर जो होता है वो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर होती है 30 to 50 किलोमीटर, 30 to 50 किलोमीटर। अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, और एट द एंड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर जो हमारा टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे टेम्परेचर भी -80 से, टेम्परेचर जो है हमारा -80 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ और डिस्टेंस तो हमारा इंक्रीज हुआ, मतलब एल्टीट्यूड भी हमारा इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे दोनों चीज चेंज होती है, टेम्परेचर एंड एल्टीट्यूड दोनों बढ़ रहा है। अब हम अब बात करते हैं थर्ड वन की। तो थर्ड वन हमारा क्या है? मेगजोस्फेयर। इट एक्सटेंड फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर हाइट। इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट एंड एट द एंड ऑफ दिस लेयर टेम्परेचर बिकम्स -100 डिग्री सेंटीग्रेड विच द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर। जो ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड है ये मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर है। अब हम बात करेंगे आयनोस्फेयर की। इट एक्सटेंड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर ऑफ हाइट एंड इट इज द थिकेस्ट एमोंग एबव ऑल लेयर। मतलब ये जो लेयर है थिकेस्ट है ऑल लेयर के अपेक्षा। आयनोस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू वेरियस लेयर सच एज DE, F1, F2 लाइक दैट। अपर पार्ट ऑफ आयनोस्फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मोस्फेयर। ये जो आयनोस्फेयर का अपर पार्ट है ये वाला यहाँ पास, इसको हम थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं, थर्मोस्फेयर। अगर हम इस लेयर की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर का क्या रोल है? टेम्परेचर इन दिस लेयर
एंड सब्सिक्वेंट लेयर ओवर इट कॉन्स्टेंटली राइजेस। कॉन्स्टेंटली मतलब जो डिस्टेंस के साथ साथ टेम्परेचर हमारा राइज होता है। एट द एंड ऑफ दिस लेयर टेम्परेचर बिकम मोर देन 100 डिग्री, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है यहाँ पे। अब हम लास्ट वाले एग्जोस्फेयर की बात करें तो इट एक्सटेंड बियॉन्ड 400 किलोमीटर ऑफ हाइट। अपर पार्ट ऑफ एग्जोस्फेयर इज कॉल्ड मैग्नेटोस्फेयर। जो अपर पार्ट है इसका एग्जोस्फेयर का, इसको अपन मैग्नेटोस्फेयर भी बोलते हैं, मैग्नेटो मैग्नेटोस्फेयर मैग्नेटोस्फेयर। द टेम्परेचर कीप ऑन राइजिंग कॉन्स्टेंटली एट हाई रेट। प्रैक्टिकली अर्थ इन्वायरमेंट एक्सटेंड्स अप टू 36,000 किलोमीटर व्हेन अर्थ लॉसेस इट्स ग्रेविटी इफेक्ट। गाइस, तो जो हम लेयर याद रखेंगे तो कैसे याद रखेंगे, तुम सब मैकेनिकल से आईईएस बनने आई हो, जिसमें टी एक्सटेंड करेगा ट्रोपोस्फेयर, एस एक्सटेंड करेगा स्ट्रेटोस्फेयर, एम एक्सटेंड फॉर मैग्जोस्फेयर, आई आयनोस्फेयर एंड ई एग्जोस्फेयर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।